जहाँ से आपने अपनी यात्राएं शुरू की, उस परिप्रेक्ष्य में जाकर के हम ढूंढें कि उस यात्रा में कहाँ हमारी संस्कृति और कहाँ हमारे समाज आज खड़ा है और कहाँ से हम चले गढ़वाल के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तराखंड के संदर्भ में। अगर आप हमारे आंदोलनों में हम ये कहते आ रहे हैं कि मतलब यहाँ पर महिलाओं का हमारे पहाड़ के जीवन में, गांव के जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और पूरी खेती पशुपालन से लेकर के बच्चों को पढ़ाना या बच्चों का पालन पोषण करना, और जो आजकल हम जो संस्कृति की बात करते हैं, अपने रीति रिवाजों की बात करते हैं, उसमें महिलाओं पर ही जिसका वो है एक प्रकार से देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कि वो कोई छुपा हुआ हो और बाहर से किसी ने उसको उनको लिए प्रेरित किया हो, ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि उनका जीवन बिल्कुल, एक तो खेती मुख्य रूप में खेती से जुड़ी हुई है महिलाएँ, और उनके ऊपर ही निर्भर हैं। खास करके जब जो विकास की जो हवा चली और नए विकास के परिप्रेक्ष्य में जो ये हुआ कि पलायन शुरू हो गया, तो फिर उस कारण से पहले भी है, पहले भी जाते थे लोग, बहुत कम जाते थे पुरुष लोग बाहर रोजगार के लिए जाते थे और फिर अपने काम के लिए काम के सीजन पर लौट आते थे। तो खैर इसमें यह है कि जो रीति रिवाज है, जो संस्कार देने की बात है महिलाओं के द्वारा बच्चों के, तो उसमें ये मुख्य बात है। ये नहीं कि वो, ये ज़रूर है कि वो कोई उसमें ये पढ़ी लिखी नहीं थे, बहुत कम महिलाएं जो थी वो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी थी। जो हमने थोड़ा बहुत जो मैंने भी पढ़ा है, जो बुजुर्गों से सुना है, तो उनके परिवार ही थोड़ा, उनके बच्चे ही आगे पढ़ लिख करके कोई अफसर बने हैं, कोई वो बने हैं। लेकिन जो हमारे समाज में जो ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं थे, और इस कारण से उसका कारण ये कि ये भी था कि यहाँ राजा का शासन था, तो राजा का शासन था तो राजा नहीं चाहता था कि यहाँ ज़्यादा शिक्षा का प्रसार हो। तो और यहाँ पर राजा के बारे में एक कहावत, एक लोक विश्वास कि वो बुरांदा बद्रीनाथ है, ऐसे तो हमारे प्राचीन सभी हमें धार्मिक में शास्त्रों में ऐसा है कि भाई जो राजा है वो विष्णु का ही रूप ऐसा मानते, वैसे भी है, लेकिन यहाँ भी ऐसा ही था, जो बद्रीनाथ को बुरांदा बद्रीनाथ मैंने बोलता बद्रीनाथ है हमारा राजा, तो वो जो अंधश्रद्धा थी उस कारण राजा ने जो कह दिया वो बिल्कुल पत्थर की बस्ती है, तो वो शिक्षा इस कारण से शिक्षा का जवाब पर बिल्कुल हो रहा। तो ये संस्कार हैं, जो रीति रिवाज हैं, तो मैं कह रहा था कि भाई खेती से जुड़ी हुई है, पशुपालन है, पशुओं को बहुत इतना प्यार दुलार रखती थे कि जितने अपने बच्चों को, और फिर घास लकड़ी के लिए जंगल जाना, जंगल जाते थे तो हालांकि जब जीवन तो बहुत कठोर था, इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता था कि वो अपना सुख दुख जो है वो जंगलों में ही बुझाती थी। जंगल में जाती थी तो सब गाँव की महिलाएँ इकट्ठी आती थी और घास काटती थी, कहीं ढंगार में कहीं पेड़ों पर चढ़ करके, तो अपने सुख दुख की बातें लो। यहाँ तक कि वो हमने तो बाद में महिला मंगल दल वगैरह आंदोलन के दौरान महिला मंगल दल बनाया, महिलाओं को हमने आगे करके उनका संगठन बनाना शुरू किया, लेकिन उनका संगठन जो रहा, उनका मिलना 2 साल भर में केवल जो बैसाख के महीने जो या जिसको हम फौल का महीना, मैंने मेलों का महीना कहते हैं, पूरा बैसाख का महीना पूरे गढ़वाल में है, तो या तो वो फौल मेले में ही जाती थी साल भर में, या फिर जब जंगल जाते थे तो वहाँ पर बैठ कर इकट्ठे बैठ करके अपने उनके सुख दुख की बातें लगती थी, और उससे मैं अपने सुख दुख को भूल जाते थे। फिर जो जब जंगल में पेड़ पर चढ़ी हुई है, जंगल में घास आ गई है, फिर अपने गीत गा रही है, बहुत से उद्योग गीतकार जो है हमारे गढ़वाल के, कुमाऊं के, हमारे गढ़वाल के बहुत से कवियों ने, गीतकारों ने वो गीत उनको गाए हैं, और उनमें वो व्यक्त है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी समझने की जरूरत है। लेकिन मैंने भी जो सुना है, मैंने सुना इसलिए है कि बचपन में मेरी कोई शिक्षा को ज़्यादा तो नहीं हुई, मैंने घर पर ही पढ़ा, मैंने वैसे प्राइमरी या जूनियर स्कूल तक ही पढ़ा है, फिर तो उस दौरान मैं भी घास के लिए
जाता था, और जब जहाज से ले जाता था घास काटता था उन्हीं रास्तों में, उन्हीं ढंगारों में, उन्हीं पेड़ों पर। तो मैंने भी वो गीत सुने हैं। जब सुने हैं तो वो समय तो एक किशोर अवस्था की बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है, गई है। मैंने वो गीत गाए है, खासकर ये चुमा बो का गीत बहुत प्रसिद्ध है बंगाल में, उसमें जो है वो सवाल जवाब होते हैं, तो मैंने वो गीत गाए है। एक है कि झंगोरा की बाला चुमा बो, झंगोरा की बाला चुमा बो प्रसिद्ध हुएगी सारा गढ़वाल। झंगोरा एक हमारी फसल है, वो जो मोटा अनाज है जिसमें कोदा झंगोरा का बीज बचाव आंदोलन में करते हैं पड़ता। तो झंगोरा के बाद मैंने छंद में लाने के लिए कोई ना कोई एक पहली जो पंक्ति होती है हमारे गीतों में, पहली पंक्ति जो है खेतों से, रीति रिवाजों से, अपने जंगल से, पहाड़ से होती है। तो झंगोरा के बाद झंगोरा के बाद सुमा बहुत प्रसिद्ध होगी सारा गढ़वाल, समझे होंगे। दूसरा है घोड़ी को कमरा, यहाँ पर घोड़ी कमर छंद मिलाने के कमर का, घोड़ी को कमरा चुमा बो, घोड़ी को कमरा चुमा बो, धरती न मिट जाने, नहीं दुनिया न मर जाने, धरती हमारा। तो इस प्रकार से महिलाएँ जो हैं वो जाती थी। तो उनमें बहुत कारुणिक भी है, श्रृंगार भी है, और बहुत कारुणिक में जिसमें उनका अपना दुख दर्द व्यक्त होता है। तो ये मैं उनके जीवन की बात करता हूँ, परंतु उनमें देखिए कितना वो आए उनकी, मतलब जिदी दिशा आए जीवन जीने की, वो सब भूल जाते हैं जब अपने काम में लग जाते हैं, फिर वो हंसना खेलना वगैरह सब अपना मुक्त होना, ये हमारी उसमें है, मतलब हमारे रीति रिवाजों में, हमारे संस्कारों में, उसको हम क्या संस्कृति कह लीजिए हैं। लेकिन उसमें तो बिल्कुल वो नहीं समझते जिसमें हम कोई उस ढंग का काम करेंगे, स्वाभाविक रूप से वो उनके जीवन में, उनके स्वभाव में उनकी वो बात आ गई है। और वही बात फिर बच्चे सीखते थे, बच्चे साथ साथ वो बातें उनको सीख जाते थे। तो आज क्या हो गया, आज के संदर्भ में कि जो शिक्षा आ गई है, शिक्षा उसमें उस चीज़ से वो शिक्षा उसको दूर कर रही है। एक तो वो प्रकृति से, खेती किसानी से, अपने जो हमारे जिंदा रहने के जो हमारे स्वावलंबन के जो साधन थे उन पर, मतलब वो ख़त्म होते जा रहे हैं, या उनका दूसरे लोग उनका उपयोग करते जा रहे हैं, जिस कारण से हम उनसे वंचित होते जा रहे हैं। तो उनको इसके लिए अपने जीविका के लिए फिर अपने घर बार सब छोड़ करके अपने, और जो मैंने अनुभव किया है कि हमारे संस्कृति को, हमारे विचारों को, हमारे उसको इस प्रकार के हमारी वो एक हमारे पास एक वो था, मतलब एक स्रोत था जीवन जीने का, एक जिससे हमको प्रेरणा मिलती थी, और बिना किसी के बताए हुए, बिना किसी के समझाए हुए, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने आप वो धारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। पूरे सीखने की और शिक्षा की पद्धति में उसको आज नए संदर्भों में जोड़ने की ज़रूरत है। उस पूरे हमारे जो प्रकृति से मिलने वाला ज्ञान था या जीवन की शैली थी, उसको आज वापस नए संदर्भों में जोड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं एक उदाहरण ही आपके सामने रखूँगा, अपने गांव का ही। मेरे गांव के पास ही जिस रास्ते से आप आए हैं, आपने देखा होगा एक बोर्ड, जैसे आपने मेन रोड से टर्न किया होगा वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, फ्यूचर स्टेप इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो ये बगल में ही है। अब उसमें देखिए किस प्रकार से वो हमारे उसमें जो ये हमारा स्वाभिमान भी है अपने आप में गाँव का अपना, वो भी ख़त्म हो रहा है। कोई व्यक्ति बाहर से आकर के सीधे वहाँ पर जमीन खरीदता है, और जमीन खरीदता है वहाँ पर स्कूल स्थापना करता है। तो जमीन खरीदने के लिए सीधे उसमें बिचौले के माध्यम हुआ, तो बिचौले के माध्यम से वो जिस व्यक्ति की जमीन थी उससे पैसा दिया, उसको उसने दे दिया, रजिस्ट्री हो गई उसका से नाम, उसने स्कूल को वहाँ पर बोर्ड लगा दिया, स्कूल खोल दिया। न तो गांव में कोई संपर्क हुआ, न प्रधान से, न गाँव से, न किसी बड़े बूढ़े आदमी से कि
हम आपके स्कूल में, हम गांव में स्कूल खोलना जा रहे हैं, आपका क्या विचार है? हमने खोल दिया, खोल दिया तो फिर भर्ती हो गए इंग्लिश मीडियम में। इस प्रकार से एक इंग्लिश मीडियम के नाम पर किस प्रकार से ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, किस प्रकार से संसाधन पर कब्जा हो रहा है, और क्या लोग मानते हैं शिक्षा होने चाहिए इंग्लिश का। मेरा विचार तो यही है कि बिल्कुल उसमें जो है मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, और जिसको आजकल सभी जो शिक्षा शास्त्री हैं सब यही कह रहे हैं। तो इसलिए जो शिक्षा का पैटर्न है ये बिल्कुल ही गलत दिशा में जा रहा है, और इससे एक कारण ये भी है कि हम उसे अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से हम वंचित होते जा रहे हैं। गार्जियन अब क्या करे, वो चाहता है कि हिंदी भी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अपना ढंग है, उनका अपना ढंग है। तो इस प्रकार से हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, हमारे विश्वास, हमारा आत्मसम्मान, हर व्यक्ति का, हर स्थान का, जहाँ पर जो व्यक्ति है उसका वहीं पर अपना, तो उस पर इस प्रकार से इस आधुनिक शिक्षा पद्धति से भी बिगाड़ हो रहा है। तो इसको बदलने की तो आवश्यकता है, लेकिन कैसे होगी, क्या होगी, पता नहीं। जब यहाँ पर जंगलों के कटान को लेकर के सवाल उठाए और आंदोलनों को जन्म दिया, यहाँ पर लोगों के साथ जुड़े जन आंदोलन, चाहे वो नशाबंदी का था, चाहे चिपको का था, उस दौरान में आपके और आज के संदर्भ में क्या अंतर नज़र आता है कि पहले लोग ज़्यादा जुड़ते थे या अब नहीं जुड़ रहे हैं? मुद्दे तो अभी भी वही खड़े हैं वैसे ही, बल्कि और विकराल रूप ले चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस समय क्या था ऐसा जो आज नहीं है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। अब इन बदलाव के क्या कारण हैं, इस पर तो बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, बहुत बातें भी हो सकती हैं, बहुत से अनुभवों को हम आदान प्रदान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उस समय जो मैंने बताया कि लगभग ये जैसे आंदोलन शुरू हुए तो 1962-65 के बाद ही शुरू हो गई थी यहाँ पर जनसंपर्क लोगों से करना, जो यहाँ पर महात्मा गांधी के विचारों का और यहाँ पर हमारे गढ़वाल में त्रिदेव सुमन हुए हैं उनके विचारों का प्रचार, और वही बात थी कि लोगों में अपना जो है अपने आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और उस समय तो शायद मुख्य रूप से राजा के खिलाफ भी था कि भाई राजशाही ख़त्म हो रहा है, पर अपना हमारा जैसे देश आज़ाद हो गया है तो हमारा भी यहाँ पर स्टेट जो है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है ये सब चला, तो उस समय लोग मुझे बड़ा आश्चर्य होता है किस प्रकार लोग जुड़ते थे। हम गांव में जाते थे, एकदम लोग स्वागत करते थे और एकदम बैठ जाते थे, कोई आया है एकदम जो है खबर फैल जाती थी, या लोग बुजुर्ग हैं वो सब बैठ जाते थे। मतलब पहले ये था कि कोई शक की कोई बात ही नहीं थी कि कोई आया है तो ज़रूर कोई आदमी हमारे गाँव में आया है, तो कुछ या वो कुछ वो कहने आया होगा, या हो सकता है कुछ बेचने आया होगा, हो सकता है कुछ माल बेचने भी आया होगा, आते जैसे फेरी करने वो आए होंगे हैं, या फिर कोई गाने बजाने वाले होंगे। अब हम लोग जब जाते थे तो गीत गाना तो करते ही थे, तो पहले समझते लोग जरूर कोई गीत गाने वाले ही होंगे। तो इस प्रकार से लोग जुड़ जाते थे और फिर हम अपनी बात शुरू करते थे, तो हम बात शुरू करते थे तो गीतों से ही करते थे। तो जैसे हमारे घनश्याम सैलानी हुए हैं, जो थोड़ी सी बहुत प्रसिद्ध गीत हैं, लोकगीत हैं, तो उनके गीतों से शुरू हो गए। तो इस प्रकार से वो आंदोलन की बात हो जाती थी, तब वो अपनी परिस्थिति, अपनी खेती किसानी, अपनी बातें कि वो हमारा ऐसा था, ऐसे हमारे पशु थे, इतना जीरूर होता था, इतने हमारे अनाज थे, इतनी विविधता थी अनाजों की, कितनी किस्म के दालें होती थी, कितने किस्म के अनाज होते थे, कितने किस्म के मसाले होते थे, हल्दी, अदरक, मिर्च, सब्जियाँ कितनी किस्म की होती थी, और हम उन अनाजों कितने प्रकार के पकवान बनाते थे, बहुत प्रकार के पकवान बनाते थे, कहीं से दाना नहीं पड़ता था, और सब्जी हमारी इतनी होती थी कि उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है कि भाई बरसात में बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, बाद के सीजन में नहीं होती हैं, तो बाद के सीजन में जंगलों में, जंगलों में हर महीने कोई ना कोई वनस्पति जो है फूल और फल उसका, या कंद फूल फल वो पत्तियाँ कोंपले वगैरह वो सभी काम आते हैं हर मौसम में, हर महीने में कोई ऐसा नहीं, ये सब। और जैसे तो आपको लगता है आज के बच्चे उनके नाम भी जानते होंगे? नहीं जानते उनके नाम, नहीं जानते उनके नाम कैसे जानेंगे वो, जब घर में नहीं बन रही है, और घर में जब सब्जी बहुत वही हमसे खाटे जाएंगे
आपको जाना होगा, मैं जरा सब्जी ले आना चाह रहा हूँ, सब्जी चाहिए नहीं वो सब। अब आंदोलनों के बाद मैंने वो समझिए बात, जंगलों में कौन कौन सी सब्जियाँ होती थी, जैसे ये जंगलों में आज का तो लेंगड़ा है, लेंगड़ा 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 जिस समय ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरी सीजन ख़त्म हो गई, वो लेंगड़ा है। और मैंने जंगल में जो पानी के पास होती है, दूसरी होती है उसमें पापड़ी, पापड़ी एक ना जैसे पिनाल के पत्ते हैं वो ऐसे होते हैं, उसकी पापड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है, वो होती है थोड़ा डंगार और पानी जगह पर होती है वो होती है। अच्छा फिर उसका जो है ये जो है तरल होता है, होता उसकी भी वैरायटी होती है तरल की भी। हाँ उसकी वैरायटी होती है। और फिर एक होता है एक बांक होता है बांक, और जैसे बांक होता है वो सर्दियों के बाद, और जब चैत का महीना शुरू होता है चैत का महीना, उसमें बांक एक जहरला है। अब देखो खाने क्या होता है, जहरला है वो, उसको अगर वैसे खाया जाए तो जहर है वो। हाँ जितना बड़ा होता है उसके बाद जैसे होते हैं उसकी जो कहीं नहीं होती उसकी ना मतलब देर, लेकिन नीचे जमी की बेहतर बैठता है। तो मुझे याद है कि मेरी माँ और लोग कई दूर यहाँ नहीं होता उस तरफ होता है, तो वहाँ जाते थे उसको लाते थे, हाँ उसको छीलते थे और फिर उसको उसके जो पीस बना करके और फिर उसको एक टोकरी में रख करके, या तो हमारे यहाँ पीपल का पानी है, पीपल के जड़ से निकलता पानी डारा, तो हमारे गांव का नाम पीपल, पिपलेट जो है वो पीपल पेड़ के नाम से ही पड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ था अब टूट गया है, तो उसके जड़ पर वहाँ पर रखते थे नीचे वो टोकरी को ही, रात भर जो है वो रात में कई दिन तक उसका जहर जो है वो, या फिर वहाँ बेमुना नदी है, गाँव के लोग अपने टोकरियों में रख करके पीस खुला करके पीला पीला होता था, जब कच्चा होता है पीला होता है तो गाद नदी में डाल देते थे टोकरी समेत में, वैसे जगह पर जहाँ पर डूबे नहीं, और दो तीन दिन कई बार लाते थे तो उसका सारा जहर जो है बह जाता था और उसका जो है सफ़ेद हो जाता था। अच्छा, और जब सफ़ेद हो जाता तब घर लाते थे और तब उसको फिर छोंग छाँ छाँ करके अपने आप खाते थे, और जिनके परिवार में था उनके परिवार में भी देते थे। अच्छा, तो साल भर में यही दिन जहर भी खाया खाते थे। अच्छा, साल भर में एक दिन खाना हुआ, एक बार ही होता था वो। अच्छा अच्छा, देवर है, देवर है, गेंठी है, गेंठी देवर है, सेमल, हाँ सेमल, वैसे अपने पेड़ बहुत है, जो सेमल है आपने देखा होगा बगल में पेड़ सड़क के नीचे बहुत बड़ा पेड़ है, उसके फूल होते हैं टिडे टिडे फूल ऐसे होते हैं उसमें, और उसके पहले ये होते हैं मतलब उसका वो बड बचा, तो उस समय उसकी सब्जी बनती बड़े होते हैं। और सबसे पहले गुड़ियाल है, उसकी कचरियाँ होती हैं, साकिना, साकिना बहुत ज़्यादा उसमें दवाई काम आता है वैसे तो। और ये रिवाज था कि जरूर जंगल की सब्जी जरूर खानी है, खानी है, अच्छा ये रिवाज में था, हाँ रिवाज में था, ये भी था कि भाई ये देखो साकिना हो गया है चलो साकिना के लिए जाते हैं, है ना, ये चीज़ें जरूर था। तो ये था ये, अब जैसे शिवरात्रि का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत जो होता है तो उसमें जो है तर्ड जरूरी है। अच्छा, हाँ उसमें और व्रत तो खाते ही हैं पर उस दिन खाना ही खाना है इस प्रकार से। अब ये जन्माष्टमी का व्रत है उसमें जो है ये कद्दू की सब्जी या जो इस समय आती है वो जरूर बननी चाहिए, पिंडालू भी है ना, ये जो कचूर है, तो इस प्रकार से वो मतलब जो रीति रिवाज जो धार्मिक जो त्यौहार थे पर्व थे उनके साथ जो जोड़ रखा था, क्या खाना है कहाँ से लाना है, कहाँ से लाना है क्या खाना, और लाने के लिए भी एक सामूहिकता होती थी। हाँ सामने जब तर्ड के लिए जाते थे शिवरात्रि में, चलो बात तर्ड के लिए एक कुटी कुदाल रखा, एक द्रांती, क्योंकि खोदना पड़ता है ना खूब गहरे खड्डे, तर्ड जो है नीचे जाता है जमीन में और बहुत कठिन बनी मिलते हैं, कभी पत्थर लग जाता था पर निकालना है, अगर तर्ड लग गया तो पत्थर भी तो निकालना हो जाता है, तो उसकी बेलों की पहचान रहती होगी कि ये बेल है तो इसके नीचे तर्ड होगा, बिल्कुल है वो तो है पहचान होती है। तो आज की नई पीढ़ी को ये पहचान बची है आगे नहीं, या ये खत्म हो रही है? नहीं नहीं वो कहते हैं मैं तर्ड क्या आया, वो क्या आलू लाएंगे वहाँ में, जब तो तर्ड तो मतलब मार्केट में मिलने लग गया, मार्केट में भी मिलने लग गया, एक तो घरेलू भी होता है तर्ड में, मेरे भी लगा रखे हैं पर उसमें वो स्वाद नहीं है जो नेचर में होगा जंगल में, तो उन्हें कहा क्या जरूरत है, इसलिए जब जरूरत नहीं है तो उसको बेल क्यों पहचानने, क्या मतलब उसका उसे जरूरत ही नहीं, उनके दिमाग में नहीं कि नहीं हमारे उससे जुड़ी हुई है, हमारे स्वावलंबन से जुड़ी हुई है, हमारे प्रकृति के ज्ञान से जुड़ी हुई है, ये नहीं कि वो तल हम इसलिए कहाँ खोल रहे हैं ला रहे हैं कि हमें जो है वो पैसे बचाने हो रहा, नहीं ये सोच नहीं है,
वो सोच में पैसा आ गया, क्यों मेहनत करनी है, पैसा है ले जाएंगे, सोच इतनी बदल गई। तो मैं आंदोलन की बात कर रहा था, तो जिस पर आते थे इसमें आपको मैं उदाहरण दूँ कि जब यहाँ पर चीड़ से जो है मिक्स पाउडर चीड़ ने ख़त्म किया है, और चीड़ को पनपाने की जो है वो गवर्नमेंट की नीति पॉलिसी रही है, चीड़ के सभी पर बनते थे और सभी पर का मतलब अपने काम होते, तो चीड़ से वो रेजिन निकलता है, डीसा रेजिन बोलते हैं। तो पहले जो आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन का, वो डीसा को रोकने का हुआ, क्योंकि डीसे के जो चीड़ के पेड़ों पर घाव लगे वो ठेकेदार ने अधिक डीसा निकालने के लिए जो नियम थे कि कितने मोटे पेड़ पर कितने घाव लगाने कोई परवाह नहीं, फूक लगाने हवा चले तो वो लाखों के पेड़ में पूरे उत्तराखंड में पेड़ चले लाखों के, तो चिपको आंदोलन ने आवा कराई और उसके लिए प्रस्ताव हुआ था, आशा ने प्रस्ताव दिया सरकार को उसे बंद करो, सरकार ने बंद नहीं किया तो दो जगह आंदोलन की घोषणा हो गई, एक अल्मोड़ा में एक हेमल घाटी में। तो हेमल घाटी में जो है डायरेक्ट एक्शन हुआ, पहले तो पेड़ पर मरम पट्टी कर दी, घाव लग गया हमारे पेड़ पर, हमारा भाई घाव लगा मिट्टी को करे और कपड़ा ला करके उसको बंद कर दिया, फिर भी सरकार ने बंद ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने जो वो था वो उसे ये घाव लगा रखता है उससे ये रेजिन निकल रहा है, नीचे एक पत्ती लगा दी, पत्ती पर इकट्ठा हो गया, नीचे एक बर्तन लगा दिया, एक चील प्रेस को करके उस बर्तन पर जमा होता है, वो बर्तन जमा हो करके फिर बड़े कनस्तर जमा होता है, बड़े कनस्तर जमा होकर जंगल में डिपो हो गया, फिर खच्चर से डुंडाल मार्केट में आता है, बाजार में उसमें आता है, मतलब सड़क में, सड़क से ट्रक का डुंडाल रिस्के इसमें जंगलात का डिपो में, और वहाँ पर उसका नीलामी ऑक्शन होता है बड़े बड़े, ये होता है। तो पहले मैंने मरम पट्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, फिर जो है उन्हें पत्ती निकाल दी, जैसा लोगों ने पत्ती निकाल दी, पत्ती निकालने के बाद ध्यान नहीं दिया, फिर वो चाहे जो कसोरे भी निकाल के फेंक दिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि कैसे गांधीवादी हैं ये तो हिंसा कर रहे हैं। अब देखा यार तुम गांधी को उसी समय पूजा करो, गांधी ने अन्याय का विरोध किया है और हम ये इतना जानते हैं ना, तो शोषण हो रहा है, लाखों पेड़ गिर रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या है। तब जाके उन पर कदम पड़ी, जब ठेकेदार गया फिर डीएफओ के पास, और डीएफओ फिर गया अधिकारी के पास, प्रचार बहुत हो गया था, तब कंसल बेटर जो होता है बड़ा अफसर थोड़ा वृत्त का सर्कल का, वो आया, उसने केवल यहाँ अडवाणी सामने अडवाणी के पास जो है जंगली उसने सड़क के पास ही उसने चेक किया, अरे उसने कहा ये तो हमारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तुम्हारे दादा उसने अपने अधिकारियों को तुम कहाँ सोए हुए थे, ये तो ठीक तो कर रहे, ये तो तुम्हारा काम कर रहे हैं आंदोलन। तो उसके लिए लोग यहाँ से जरूर लेकर गए, ऊपर गए डांडा बहुत दूर पैदल गए, और उसमें हमारे गांव के एक मतलब 70 वर्ष के बुजुर्ग भी गए थे, और जब वो तैयार हुए तो हम लोग भी तैयार हो गए, और जो सजेत में हुआ चिपको आंदोलन, कौन थे 70 वर्ष के, मुकुंदा सिंह, अच्छा मुकुंदा सिंह, हाँ हमारे चाचा थे, अच्छा तब फिर बच्चे और यंग लोग सब चल, हाँ सब चल होने जितने बुजुर्ग जा रहे हैं, और जब ये बेमुंडा है उधर आप सड़क से आए हुए, बेमुंडा आपने बताया होगा, बेमुंडा के कैचमेंट एरिया में सजे को वहाँ पर जंगल का ऑप्शन हो रखा था कटान के लिए, तो वहाँ पर जो है पहली बार तो हम आंदोलनकारी गए, हमने वहाँ लेबर उनको आगे भगा दी, वो थी कश्मीर की, हमने उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा यार तुम भी पहाड़ी हो हम भी पहाड़ी हैं, ठीक कह रहे हैं, हमारे समझाने में चले गए। तब ठेकेदार जो है वो डोई वाला से जाया, डोकल लाया वो, तो खैर तो वहाँ लोग बिल्कुल ढोल बाजों के साथ गए ढोल बजाते हुए, अब बड़ी चढ़ाई है बहुत, क्योंकि वहाँ घास का रास्ता है महिलाओं का, और उस रास्ते से बड़ी मुश्किल से जाते हैं, उस पर बच्चे भी और महिलाएं भी लोग, वहाँ पर इतने लोग गए है ना, आज लोग जो है आंदोलन के नाम से जरूर जाएगा तो गाड़ी में जाएंगे है ना, गाड़ी पैदल चलना बंद हो गया, पैदल चलना बंद हो गया, तो इस प्रकार से जो है बाबू ये असर हो गया है। मानो जो आप लोगों ने जन आंदोलन किए उस समय में आपने कहा कि इतने लोग जुड़ जाते थे, आज आपने कहा कि लोग गाड़ियों में जाते हैं, तो ये बात भी सही है, सड़कें बन गई, उतनी सड़कें नहीं थी तब, नहीं देखिए अडवाणी तो सड़क भी तब सड़क मतलब गाड़ी जा रहे थे अडवाणी सामने गाँव में, अडवाणी बताए यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत, तो अडवाणी एक मोर्चा तो वहाँ पर था मतलब सजेत में बेमुंडा के ऊपर कैचमेंट में, और एक अडवाणी सड़क के पास था, तो
तो सड़क से आना जाना होने के बावजूद भी इनके गांव से कोटी गांव कहाँ है ऊपर रामपुर थोड़ा नीचे रामपुर से इधर हमारे गांव से हमारे गांव की महिलाएं यहाँ से पैदल नीचे उतरती थी नीचे हिमवन नदी पार करके पैदल ही ऊपर जा करके वहाँ जाती थी दिन भर वहाँ आंदोलन में सत्याग्रह में नारा देने मीटिंग में सब कुछ में और शाम को फिर लौट कर घर आ जाती थी अपना खाना खा कर जाती थी अपना खाना खा कर उस समय भी जब वहाँ पर पुलिस और पी एस सी आई उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पर पी एस सी भेजी और कि उससे डर जाएंगे उनको गिरफ्तार करेंगे उसके बावजूद भी एकदम तो पहली बार देखा लोगों ने कि हाँ पी एस सी ऐसे होती है बिल्कुल वैसे होते हैं अब पूछ रहे थे यानी कि वो सिर में क्या पहन रखा है हाथ में क्या रखा है उसके बावजूद भी भाई इसलिए आए हैं कि तुमको पकड़ के ले जाएंगे और रिश्तेदार उनके पास बंदूक होंगे उन्होंने कहा होंगे तो हम जब पेड़ बचाएंगे उनके सामने भी फिर वो पेड़ों से चिपक गई जगह जगह से लोग गाँव से पहुँच गई वहाँ और तब उन्होंने कहा भाई पुलिस वाले थे वो कुछ लोग हमने बाद में सुना जब पूछा हुआ किसी ने वो गोरखपुर साइड के थे तो वो कह रहे थे आपस में जो हम नारे लगा रहे थे कि नारे लगाने गए लोग चिपको आंदोलन के हैं ना कि भाई लाठी गोली खाएंगे अपने पेड़ बचाएंगे हैं और क्या हैं जंगल के उपकार डीसा लकड़ी और व्यापार और पेड़ कटेंगे तो बाढ़ आएगी तो देश जो है डूबेगा ये बात तो वो सिपाही जो कह रहे थे यार ठीक तो कर रहे हैं अच्छा सिपाही भी कह रहे थे कि ठीक है आपस में ना जब उन्हें पूछा होगा ना उन्हें यार ठीक तो कर रहे हैं तो बाढ़ तो वास्तव ना हमारे यहाँ आती है बाढ़ जब विमान में पेड़ करते हैं तो खैर तो ये इस प्रकार से लोग जाते थे और उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और उसमें एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव था ये बिल्कुल वास्तव में जंगल जो है हमारे जीवन के आधार हैं हमारे पाल पक्ष रखे हैं इनको इस नाम से काट रहे हैं तो ढंडक क्या होता है ढंडक विद्रोही होता है विद्रोह को ढंडक कहते हैं ढंडक गढ़वाल में ढंडक तो वो राजा के खिलाफ तो राजा के जैसे मैंने बताया ना उसके जो राजा का जो भी था उसके जो अनुयायी थे उनके जो कर्मचारी थे कारिंदे थे वो बहुत अत्याचार करते थे राजा के राजा जो है वो हमारे ऊपर है राजा का वो है और राजा का वास्तविक उतना आदेश था या नहीं लेकिन वो जा करके जो पशुपालक होते थे उनकी छानियाँ होती थी जगह जगह अपने पशु ले जाते थे जैसे ऊपर डाना ले गए जैसे चरागाह आजकल खूब घास है ऊपर ले गए और जब गर्मी के मौसम में पानी ऊपर पहाड़ों में नहीं है नीचे है पानी तो वहाँ नीचे ले जाते थे जहाँ पर खूब घास हो तो वहाँ पर वो अपने छानियाँ बना करके वहाँ पर पशु रखते थे तो जो कर्मचारी होते थे जंगलात के वो उन पर अत्याचार करते थे क्योंकि एक कर होता था कि पुच्छ कर माने पूछ होती है ना जानवर की तो जितने जानवर होंगे उतने पूछ होंगे और जितने पूछ होंगे प्रति पूछ जो है कर वो तो वो पुच्छ कर था तो उसके नाम पर जो थे वो अब पशु तो ज़्यादा होते ही थे अब उतना कर तो देना बड़ा मुश्किल है तो उसके लिए उनका करते थे उत्पीड़न खाना पीना खाया अपने घी दूध के बर्तन उलट दिए वो खा दिया बर्तन दिए तो उस पर जो है ढंडक हुआ लोगों ने कब तक सहन करेंगे तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इसी आगे घाटी में जो उनके कर्मचारी थे उनको पकड़ करके जहाँ वो पशु रहते हैं वहीं उनको बंद कर दिया और जब बंद कर दिया राजा के कर्मचारियों को राजा के कर्मचारियों तो उस पर फिर बड़ा वो हुआ और जब ये खबर पहुँची तो उन राजा के आदमी गए पुलिस गए और उन लोगों को गिरफ्तार करके ला रहे थे और गिरफ्तार करके ला रहे थे तो फिर लोग और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बड़े बड़े पंच लोग बड़े वैसे इलाके के बड़े वैसे लोग होते तो अनपढ़ होते थे लेकिन बड़े जानदार होते थे तो कहते हैं एक जगह मुझे याद नहीं है उन्होंने इस पर ऊपर आ रहे थे जहाँ वो नई टेरी वह पुरानी टेरी राजधानी तो वहाँ ले जा रहे थे तो रास्ते में फिर वो लोग नज़दीक के कोई बुजुर्ग रहे इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा अरे क्या तेरा पहरा जो दागुला बहते जो मैदान वो पहनती हैं चांदी के बड़े लोग पहनते थे और एक सिल्वर के पहनते थे तो अरे तेरा क्या ये रखे आया ना मैंने उसको एक प्रकार से टाउंट करते हुए अरे तेरे क्या नहीं पहरा आया दागुला निकाल दिया उसे खूब जोश भरा उसने जिसके दावड़े पर जो मुख्य आदमी था आरोपी मतलब
उसने अब उनको यो मारा उसे पत्थर पर, वो हथकड़ियाँ टूट गई, हथियार टूट गए, फिर हारियो टूट गए थे, फिर उन्हें आक्रोश फैल गया, उन्होंने पर मार पीट कर उनको भगा दिया, उनको ही भगा लिया। तब राजा को सही माना पड़ा, राजा के दीवान को, कोई मियाँ था मियाँ, हाँ, और तब वो तब समझाया, तब फिर समझौता हुआ था, तब कुछ उसमें संशोधन। तो तब आपने कहा जैसे कि क्योंकि एक पूरी पीढ़ी जो है वो खेती बाड़ी में लगती थी, जंगल जाती थी, जंगल से उनका एक रिश्ता था जीवन का, खाना पीना सब चीज जो कि साल भर चलता था। आज जैसे कि आप कह रहे हैं कि संदर्भ टूट रहा है ना, लोग बच्चे आज की नई पीढ़ी जंगल जा नहीं रही, तल लेने नहीं जा रही, तो इसलिए जंगलों में क्या हो रहा है उनको अरुचि सी है, इसलिए आंदोलन में भी या अपने संसाधनों को बचाने के प्रति उतनी संवेदनशीलता भी शायद कम हो रही है। इसके लिए क्या हो सकता है? इतना ज्यादा वो मतलब शिक्षा का या पैसे का है ना, पैसे का इतना दखल नहीं था, इतना दखल नहीं था तो अपने घर परिवार गांव अपने खेत उस पर आदमी सीमित थे, और इस कारण से बच्चे भी अपने परिवार से जुड़े रहते, अपने उनके अपने खेल होते थे, उनके अपने गीत होते थे, खेल भी अपने खेल भी है ना, और अपने गीत भी, क्योंकि जब गाँव में महिलाएं जब गीत लगा देती थी तो बच्चे सुनते थे, तो मतलब बचपन से ही उनको वो संगीत का, लोक संगीत का जो होता है ये अपना एक उनके दिमाग में, उनके दिल दिमाग में वो चीज़ परिवेश करती जा रही है, उनके उस प्रकार के संस्कार उनकी सोच उस प्रकार के बनती जा रही है। अपने आप भी उनके गीत ऐसे होते थे कि कुछ बना रखे ऐसे छंद में ला करके कुछ बना के, एक जो है मुझे मैंने जो बचपन में सुना, और जब मुझे अब मेरे कुछ मित्रों ने जो है वो कुछ उस पर देख लिखने के लिए कहा कि अपने जो बचपन के खेल जो होते थे, एक जो था ये बरसात का ये गीत होता था। अब क्या होता था कि माँ बाप तो चले गए खेत में, बच्चे जो हैं घर पर हैं, अब बच्चे क्या करें, तो उनके अपने गीत होते थे, सब बच्चे इकट्ठे हो गए किसी एक घर में जहाँ पर खूब बड़ा आंगन हो है। तो मेरे गांव में एक हमारे एक मेरा एक चाचा था दयाल सिंह, उसका घर था थोड़ा बड़ा था, वह इकट्ठे होते थे। तो जैसे आपने देखा होगा बरसात में सावन के महीने में कोहरा एकदम घाटी में भर जाता था, और कोहरा एकदम आगे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ना, अब तब बच्चे बिल्कुल उस समय गाते थे कि फटकुरेड़ी डांडा तेरा बच्चा का, तेरा बच्चा डांडा, मैं नहीं मारया कह नहीं मारया डांडा का भैंसे ने मारे। तो कुरेड़ी दे कह रहे हैं कोहरे के लिए कि फट ये कोहरा फट जाओ, तुम्हारे बच्चे डांडा हैं, वो डांडा में जो है मैंने नहीं मारे, किसी ने नहीं मारे, वो डांडा के जो भैंसे हैं पशुपालक उन्होंने मारे हैं। इसको बड़े जोर जोर से गाते हैं, मस्त होकर के गाते थे, है ना। आप लोगों ने भी गाए? हमने भी गाए। अच्छा। हमने भी गाए, और मुझे बचपन का एक गीत भी याद है, वो बड़ा रोचक है, वो कहीं नहीं मिलेगा उसका वो संदर्भ मैं समझता हूँ। वो है ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है रिश्ते से, परिवार के रिश्ते से। टप टप टोपी मिनका दानी, गहरी सिंगनी पापड़ लानी, पापड़ मेरा चोरों चोरिया, चोर से मैं टांग तोड़ी, टांग में द्वार दिनी, द्वारन में दाछी दिनी, दाचिन में घास काटी, घास में गौ दिनी, गौन में दूध दिनी, दूध में बनिया दिनी, बनियान में भिली दिनी, दिल्ली में दीदा देनी, दीदा मैंने भाई, दिल्ली में दीदा देनी, दीदान में संगत बुझनी देनी, संगत बुझनी एक गहना होता है जिसको आप लोग नहीं लोग से नाम भी नहीं जानते, दीदान में संगत बुझ देनी, संगत बुझनी मैंने बहु देनी, बहु मैंने भाभी, संगत बुझनी मैंने बहु देनी, बड़ा रोचक है वो, बहु ने मैं मान देखी गुड़ी नहीं लेने देनी, मान की गुड़ी नहीं दी, भाभी ने मुझे मान का गुड़ी नहीं दिया, मान होता चावल का ना, तो उसका घूट भी नहीं दिया। तो वो अपने भाभी को चढ़ा रहे हैं? नहीं, गीतों में है ना वो किस प्रकार से उसमें उसमें नाचे रिश्ते भी आ गए, उसमें आदान प्रदान है ना, घास गाय वगैरह सब आ गए, और
उसमें कौन क्या देता है, लोहार है जो दर्शन बनाता है। लेकिन वो सारे गीत तो आपकी पीढ़ी के लोगों से ही मिल पाएंगे। हाँ वही बिल्कुल, लोगों के नई पीढ़ी के लोगों के बीच में, बल्कि हमारे बजाय महिलाओं से ज़्यादा मिले, महिलाओं से बूढ़ों से। भाई हमने जो सीखा है जंगलों की जो वनस्पतियाँ हैं, किस मौसम में कौन वनस्पति होती है, जिसकी सब्जी बनती है, उसका क्या मत, या पेड़ों के बारे में बहुत सारे कितनी किस्म की प्रजातियाँ, कितने नाम हैं घासों, कितने नाम हैं पेड़ों, कितने नाम हैं उनकी, क्या है विशेषता है, कौन जहरीला है कौन मीठा है, ये सब उनसे सीखा हमने। जब हमने लोगों से सीखा तब हमने उसको लेखन में दिया, तब हमने जंगलात के ये जो बड़े जो सौ करोड़ जो हैं पर्यावरण जो है उनके साथ बहस में, तब उनको हम जगह उनके सवालों के जवाब दे पाए। और फसलों के बारे में इतना इतनी विविधता, इतने खान पान है तो हमने थोड़ी बनाए, और जो हमको याद होंगे वो हमें याद है कि हमारी माँ ने क्या बनाया, हमारी दादी ने क्या बनाया, है ना। अब आजकल जो है ये तो जब खान पान की बात है, ये जो है वो उसमें ये जो घाट है, घाट है ना, घाट बुद्ध जिसको कि स्टोन के लिए दवा के रूप में मानते हैं उसको, पढ़ाइए वो तो आजकल हमारी फसल में है। आप देखिए हमें किस प्रकार से बनाते हैं, हमने देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिर्च भी है, वो बीन भी है, वो सेम भी है, वो भी है, और थोड़ा सा बंगजीर भी है, कितना है उसमें, इतना सा निकल जाओ पाव भरी में नहीं निकले, फिर बीज के लिए रखा हुआ है, तिल है ज़्यादा नहीं थोड़ा सा होगा, अच्छा फिर उसमें झंगोरा है या पौधा है या कुछ कुछ जानवरों ने ख़त्म कर दी है तो नहीं बो रहे हैं उसको, कुछ रात में लग रहा है, तो ऐसी चीज़ें हैं तो और केवल उसके लिए। तो ये जो है ये सब उन्हीं से दस्ते का किस्म के, तो उसमें एक घाट है, तो घाट जो है वो उसका तो सर्दियों में उसका एक बहुत ज़रूरी है, वो इतना एनर्जी गर्मी देता है, तो सर्दियों में बनाते हैं उसको घाट को उबाल करके, और उसके साथ जो है वो पहले तोड़िया होता है, तोड़िया तोड़िया से उसके देश से तेल निकालते हैं, तेल निकाल करके उसका तेल रख दिया, और उसका जो पिन्ना होता है फल है ना, उसको जो है बारीक बारीक जो है उसके टुकड़े बना करके घाट की उसमें उबलते हुए घाट में डाल दिया, उबलते हुए घाट के उसमें दाल बनते हैं और वो डाल दिया, तो वो उसमें पक भी रहा है, उसमें तेल भी मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो वो इतना स्वादिष्ट होता है, और गर्म सर्दियों में इतनी एनर्जी इतनी गर्मी देता है, तो क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा बिस्तर नहीं होते थे, रजाई नहीं होती, तो उनका खान पान इस प्रकार के था, घर इस प्रकार के थे कि उसमें जो था वो सर्दी जो है वो ठंडी हवा तो घुस ही नहीं सकती थी, है ना, जो सिर झुका कर जाना पड़ता था घर के लिए, और फिर खान पान ऐसा होता था कि वो और मौसम के अनुसार जो गर्मी में ठंडक दे और सर्दियों में जो है गर्मी दे, तो उसी घाट का मेरी माँ बनाती थी, इतना स्वादिष्ट था, मैंने कईयों को पूछा, मैंने उनको भी कहा, मैंने श्रीमती जी को किसी से पूछ लो थोड़ा सा, मैं भी मुझे भी याद है, घाट को भिगा दिया, उसको पीसा सिलबट्टे में, अब तो सिलबट्टा भी नहीं है और जो स्वाद सिलबट्टे में है मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बहू है ना, बिचिन बहू वहाँ मैं ऋषिकेश में, बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं वो, है ना, तो उन्होंने पहले वो बनाई चटनी, उसमें क्या बने उसमें स्वाद नहीं आता, बाद में जब उनको लगा तो उस बार सिलबट्टी चटनी तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, उन्होंने फिर सिलबट्टा रखा देना, पर ये उन्होंने महसूस किया, तो माँ वो घाट को उसमें पीसती थी और उसमें फिर उसका वो पेस्ट बना करके और उसमें चूल्हे में आग जलाई, उसमें बर्तन रख दिया गोल बर्तन जिसमें छेद कम हो, और उस बर्तन में जो पानी डाल दिया और ढक्कन लगा दिया, पानी खौल रहा है और खुला नहीं, वैसे मदवस रख दिया तब तक पानी गर्म नहीं किया, और उसमें वो तो पेस्ट जो है उसको उसके पत्ते नींबू के पत्ते, और नींबू भी आजकल जो है नींबू ये हो गया है, उसको नींबू बोलते हैं हम लोग, ये जो कागजी है इतना वाला वो नींबू नहीं है, नींबू तो इतना बड़ा होता है ना, उसका पत्ता सो चौड़ा होता है, उस पत्ते में उसको लपेट करके और उस बर्तन में पहले रखते थे अमेरदा, अमेरदा जो होता है वो थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, यहाँ पर दिखा दे, उसको नीचे रख करके पानी डाल करके उसमें अमेरदा रख करके उसके ऊपर से लकड़ी रख करके ताकि वो जो है जो बनाया पकवान वो टच न हो, स्टीम लेने उसके ऊपर रख करके और सब रख करके बनाते थे,
और ऊपर से ढक्कन रख दिया, आग जला दी, और जब उस प्रकार से पकता था वो भाप में। अब भाप में पका करके जब तैयार हो गया, उनको अंदाजा था कि इतनी देर में ये पक जाएगा, निकाल करके और उसको फिर जब परोसते थे तो इतनी सुगंध फैलती थी उसकी नींबू की बच्चों की। वो जहाज का तो उसमें गुण तो है ही, ऑलरेडी है ही, उसमें तो है ही, भाप से पका है वो भी बढ़ गया, पर उसे नींबू के साथ उसमें इतनी खुशबू आती थी।